गाइस, कई लोगों का शादी के बाद विदेश में जाकर सेटल होने का सपना होता है, और एक ऐसा ही सपना एक 24 साल के लड़के ने भी देखा था। लेकिन उसका ये सपना तब टूट गया जब उसकी पत्नी ने विदेश जाकर उसे 35 लाख रुपए का चूना लगा दिया, और तो और उसे पति मानने से भी इनकार कर दिया। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल उस लड़के ने विदेश जाने के लिए आईलेट्स पास एक लड़की से शादी की थी, और वो तब खुद नहीं गया बल्कि अपनी पत्नी को 35 लाख रुपए लगाकर ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। लेकिन वहां जाकर पत्नी के तेवर ही बदल गए और उसने अपने पति को इग्नोर करना शुरू कर दिया, और बाद में ऑस्ट्रेलिया में खुद को अनमैरिड बताकर उसे अपना पति मानने तक से इनकार कर दिया, और इस तरह से उसने अपने पति को 35 लाख रुपए का चूना लगा दिया। गाइज, ऐसे प्यार के पंचनामा से सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमारी कुदरत में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिसके बारे में इंसान आज भी नहीं जानता है। एक ऐसा ही रहस्य फ्रांस के बरगंडी राज्य के टोनेरो शहर में है, जहां पर हजारों सालों से 300 लीटर से ज्यादा पानी हर सेकंड रहस्यमय तरीके से जमीन से बाहर निकल रहा है, और आज तक इंसान इस चीज का पता नहीं लगा पाया है कि इतना सारा पानी आखिरकार लगातार कैसे और कहां से बाहर आ रहा है। फ्रांस से होकर लगातार बहने वाले इस पानी को फोसे डियोनी स्प्रिंग नाम दिया गया है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक इस रहस्यमय जगह के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, ऊपर वाला जब भी किसी पे मेहरबान होता है ना, तो वो उसे छप्पर फाड़ के देता है, और कुछ ऐसा ही हुआ केरल के कोटायम के सदानंदन के साथ, जो कि 12 करोड़ रुपए की लॉटरी जीतकर मालामाल हो गए। जी हाँ गाइस, जब ठीक सुन रहे हैं। दरअसल सदानंदन सालों से लॉटरी का टिकट खरीद रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत उनका कभी भी साथ ही नहीं देती थी। मगर एक दिन जब वो अपने घर से निकले तो उन्हें 500 रुपए के छुट्टे चाहिए थे, लेकिन दुकानदार के पास छुट्टे थे ही नहीं, और उन्हें मजबूरन फिर से लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ा। लेकिन सदानंदन ने शायद ये सोचा होगा कि छुट्टे कराने के चक्कर में खरीदा गया लॉटरी का टिकट उनके लिए जैकपॉट बन जाएगा, और हुआ भी कुछ यूं ही। घंटों बाद जब नतीजा आया तो वो करोड़पति बन चुके थे। गाइस, ये बात तो सही है कि किस्मत अच्छी हो तो रंक भी राजा बन जाता है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। चुनाव में एक उम्मीदवार वोट पाने के लिए क्या क्या नहीं करता, लोगों के घर घर जाकर वोट मांगता है, अपना जी जान लगा देता है। लेकिन महाराष्ट्र चंद्रपुर के पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे एक भी वोट नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, जितेंद्र इटेकर नाम के इस उम्मीदवार को न तो जनता ने वोट दिया, न ही परिवार के किसी सदस्य ने, और तो और उसका भरोसा देखिए, उस उम्मीदवार ने खुद को ही वोट नहीं दिया, और इस तरह उसे एक भी वोट नहीं मिला, जिसके चलते वो चुनाव बुरी तरह हार गया। जरा सोचिए ऐसी क्या वजह रही होगी कि उस उम्मीदवार ने खुद को ही वोट नहीं दिया। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे संविधान को 2 महीने पहले ही नवंबर 1949 में लिखा जा चुका था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसे फिर 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया। दरअसल इसके पीछे एक खास वजह है, और वो है 26 जनवरी की तारीख। यह तारीख पहली बार साल 1930 में खास बनी थी, क्योंकि 1930 में इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था, और रावी नदी के किनारे पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। तब लोगों से ये अपील की गई थी कि 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देश असल में 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन फिर भी 26 जनवरी एक खास दिन था, इसलिए जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी को ही चुना गया। गाइस, आज ही वो तारीख है। तो A2 फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत।